अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती स्वीट डिश लाई हूँ। बहुत ही ये टेस्टी बनती है और बहुत ही ईजी में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ईद आने वाली है तो गोश्त खाने के साथ साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी जनाब, यहाँ हमने मैरी बिस्किट लिए हुए हैं। 4 पैकेट मैंने मैरी बिस्किट के लिए हुए हैं। ये हाफ रोल का 1 पैकेट है, 40 रुपीज़ का मैंने 1 पैकेट लिया हुआ है। 1 पैकेट में से 12 बिस्किट निकलते हैं, टोटल 48 बिस्किट होंगे 4 पैकेट के। तो चलिए वन बाय वन करके हम सारे बिस्किट को ओपन कर लेते हैं और बिस्किट को निकाल के 1 प्लेट में रख देते हैं। तो चलिए अब हम अपने सब बिस्किट को ग्राइंड कर लेते हैं और इसे पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। अच्छा, मेरा ग्राइंडर थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इसे 3 से 4 बार ग्राइंड किया हुआ है। अगर आपके पास बड़ा सा ग्राइंडर है, बड़ा सा चॉपर है, तो एक ही साथ आप सारे बिस्किट को इसमें ऐड करें और ग्राइंड करके इसका पाउडर फॉर्म कर लें। तो यहाँ मैंने अपने सभी बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है, इसको पाउडर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ एक बड़ा सा बॉल लूंगी और इसमें अपने सारे बिस्किट को ऐड कर दूंगी। हमने पाउडर फॉर्म बनाया है, मैंने बड़ा सा बॉल इसलिए लिया है कि जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसका डो बनाएंगे, तो हमें कोई परेशानी ना हो, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से इसका डो फॉर्म हो जाए। तो यहाँ मैंने रोज मोड कंपनी का कोको पाउडर यूज़ किया हुआ है। ये अनस्वीटेड कोको पाउडर है। 3 टेबल स्पून के करीब हम इस पर कोको पाउडर ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये पिसी हुई चीनी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो जब आप बिस्किट को ग्राइंड करें तो उसमें ही आप शुगर ऐड करके उसे ग्राइंड कर लें, तो एक साथ अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाएगी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। मैं इसमें वापस से 1 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर ऐड करूँगी और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि जब मैं मिक्स करेगी तो मुझे थोड़ी सी चीनी की और कोको पाउडर की कमी महसूस हुई थी। तो टोटल 4 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर इसमें ऐड किया हुआ है और 4.5 टेबल स्पून के करीब इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की हुई है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड करूंगी, ये मेल्टेड बटर है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर का लेवल आप आगे पीछे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब और शुगर ऐड कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप के करीब दूध है, 1/2 लीटर से कम है। 1/2 लीटर लगभग 2 कप के करीब दूध होता है। इसे अच्छी तरह से गूंदना है हमें, जैसे हम आटा गूंदते इसी तरह से हमें इसे गूंदना है। एक डो की फॉर्म में हमें इसे चाहिए। तो चले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, गूंद लेते हैं और डो की फॉर्म में इसे क्रिएट कर लेते हैं। आप इसे पार्टीज में भी बना सकते हैं, हमारी गैदरिंग होती है आप इसे उसमें भी बना सकते हैं। और बच्चों का तो ये बहुत फेवरेट होगा क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत ही पसंद होती है। तो चॉकलेट की इस तरह से डिशेस जो होती है, फिर स्वीट होती है, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो जी जनाब, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, डो की फॉर्म में मैंने इसे क्रिएट कर लिया। ये देखें, मैं आपको इसका टेक्सचर भी बता देती हूँ कि इस तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो यहाँ मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, उसकी साइज के हिसाब से इसे कट कर लेंगे और फ्लैटन सरफेस के ऊपर इसे प्लेस कर देंगे। जो हमने बिस्किट का डो तैयार किया हुआ है इसे हम बटर पेपर पे प्लेस कर देंगे और इसे रैप कर देंगे। यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से फ्लैटन करूँगी, थोड़ा पतला करूँगी कि इस तरह से हम इसे इस तरह से मोटा करके हम रैप कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो बहुत थिक पीसेज होंगे। तो आप जितना फ्लैटन इसे पतला कर सके उतना कीजिए और इसे अच्छी तरह से रैप कर लीजिए। यहाँ मैंने डो को अच्छी तरह से रैप कर लिया है। अब मैं इसे फ्रिज के अंदर रखूंगी, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ध्यान रखिएगा फ्रीजर में नहीं रखना। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है, इटालियनो की डार्क चॉकलेट है ये। मैं फर्स्ट टाइम इस कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैं क्रीव कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी है क्रीव कंपनी की। आप कोई भी कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद नहीं तो आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कम्बिनेशन ऑफ डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं डार्क चॉकलेट के साथ साथ
मिल्क चॉकलेट भी इसमें यूज करूंगी। मिल्क चॉकलेट की मैं 2 बार ऐड करूंगी। 35 ग्राम एक बार का वेट है, तो 70 ग्राम मैं मिल्क चॉकलेट यूज करूंगी एंड 30 ग्राम के करीब मैं डार्क चॉकलेट यूज करूंगी। डार्क चॉकलेट का इस बार का वेट 200 ग्राम है। अगर आप बहुत शौकीन हैं डेजर्ट बनाने के, अक्सर आपके घर में चॉकलेट के डेजर्ट बनते हैं, तो आप इस तरह से बार खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा लंबा अरसे तक ये चलता है। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट अच्छी तरह से कर लिया है, माइक्रोवेव में मैंने इसे मेल्ट किया है। आप डबल बॉयलर पे भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो चले हम आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ये हमारे 2 घंटे के करीब हो चुके हैं, तो अब हम इसे अनरैप करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है फ्रिज में। मैं आपको नीचे की सतह से भी इसे बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है, कोई बटर पेपर पे ये चिपका नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इजीली ये अनरैप हो चुका है। तो चले अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके एजेस कट कर लूंगी। अब हम इवनली एक ही साइज में इसे कट कर लेते हैं। यहाँ मैं कुछ पीसेस थिक साइज में कट करूंगी और कुछ पीसेस थिन स्लाइस में कट करूंगी, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आपको थिन स्लाइस में पीसेस चाहिए तो आप वो भी कट कर सकते हैं, और अगर आपको थिक साइज में पीसेस चाहिए तो आप वो भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सब पीसेस को कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। ये थिन स्लाइस है, ये इस तरह से थिन स्लाइस है, और ये थोड़ा सा मैंने मोटा स्लाइस को कट किया हुआ है, ये इस तरह से है। तो चले अब हम इसे चॉकलेट में डिप करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ पीस को इस तरह से चॉकलेट में डिप किया हुआ है, और एक्सेस चॉकलेट को हम इस तरह से ड्रेन आउट कर लेंगे। आप बिस्किट के स्लाइसिस को फुल चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं, या तो अपर सरफेस को चॉकलेट में डिप करें और लोअर सरफेस को इस तरह से लेने दें। चॉकलेट की कोटिंग टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से कोट करना चाहते हैं। तो वन बाय वन करके हम सारे बिस्किट को इस तरह से कोट करेंगे। कुछ मैंने हाफ कोट किए हुए हैं, कुछ मैंने पूरा ही चॉकलेट में डिप करके अपर एंड लोअर सरफेस कोट की हुई है। 4-5 बिस्किट को कोट करने के बाद मैंने मेल्टेड चॉकलेट में लगभग 1 से 2 टेबल स्पून के करीब गर्म दूध डाला था, और उसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी। अगर आपको ये मुनासिब लगती है तो आप इसी चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट की कंसिस्टेंसी मुझे अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो जितने हमारे स्लाइसेस बचे हुए थे मैंने उसको डिप किया, कुछ मैंने हाफ डिप किए, कुछ मैंने फुल कोट कर लिए। सारे डिप करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो जी जनाब, ये 1 घंटे के करीब हो चुके हैं और चॉकलेट इस पर अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब आप इसे क्लीन प्लेट पे ट्रांसफ़र करें, इसके एजेस जो चॉकलेट के एजेस होंगे आसपास उसे कट करें, और मेहमान को सर्व करें, अपने दोस्त यारों जिसे भी सर्व करना है तो सर्व करें। तो मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चॉकलेटी और सॉफ्ट है। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वॉक में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।